बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो बीए बीएससी कर रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एडीए एडीएस कर रहे हैं, अभी भी स्टिल स्टूडेंट्स बीए बीएससी, जैसा कि सरगोधा यूनिवर्सिटी भी बीए बीएससी जो है वो कंबाइंड ऑफर करती है, पंजाब यूनिवर्सिटी के भी कुछ होल्ड स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने बीए बीएससी किया हुआ। अब वो स्टूडेंट्स जब आगे बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, जो कि आपको पता है कि एमएएमएससी जो प्राइवेट है वो बंद हो गई है, रेगुलर एमएएमएससी भी बंद हो गई है, सिर्फ और सिर्फ बीएस फिफ्थ सेमेस्टर है। तो बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप लोग एडमिशन लेंगे तो उसमें आप लोगों के लिए दो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं, एडीए एडीएस और बीए बीएससी। जो स्टूडेंट्स भी एडीए और एडीएस करके जाएंगे वो स्टूडेंट्स पांचवें सेमेस्टर में बैठेंगे यूनिवर्सिटी में और दो साल लगाएंगे, पहला सेमेस्टर 6 महीने का, दूसरा सेमेस्टर 6 महीने का, फिर तीसरा सेमेस्टर और फिर चौथा सेमेस्टर। यानी कि अगर आप सीक्वेंस में देखें तो पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये चार सेमेस्टर्स होंगे, दो साल की आपकी ड्यूरेशन होगी और दो साल में आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन जो बीए और बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो ओल्ड ट्रेडिशनल डिग्री थी, ओल्ड ट्रेडिशनल नाम था, वो वाले स्टूडेंट्स बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में जाने से पहले एक जो उनका स्टडी डेफिसिट होगा उस कमी को पूरा करने के लिए ब्रिजिंग सेमेस्टर पढ़ेंगे, जो हर यूनिवर्सिटी करवाएगी। ब्रिजिंग सेमेस्टर, एक पहले ब्रिजिंग सेमेस्टर होगा जिसमें आपको मोस्टली जो कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें इंग्लिश एक सब्जेक्ट होगा आपके लिए, उसके अलावा आप लोग कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर स्टडीज पढ़ेंगे, साथ उसके साथ आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, और दो कोई इंट्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स होंगे जो आप लोग अपने मेजर सब्जेक्ट के लिए इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये है आप लोगों के लिए सिनेरियो कि आप लोग पहले ब्रिजिंग पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आप लोग चार सेमेस्टर पढ़ेंगे और ये आपकी डिग्री होगी 2.5 साल की, टोटल 5 सेमेस्टर्स पे मुश्तमिल होगी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।